नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईडी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आई रुक करते हैं खबर की ओर। केंद्रीय बजट 2024 पर भाजपा नेता शाइना एमसी ने कहा, महाराष्ट्र को बहुत कुछ मिला है। मुंबई में स्थानीय रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा। कई बुनियादी ढांचा योजनाएं हैं जो महाराष्ट्र को लाभान्वित करेंगी। जो लोग झूठ फैला रहे हैं उन्हें पहले बजट पढ़ना चाहिए। देखिए, महाराष्ट्र को बहुत कुछ मिला है। 908 करोड़ MUTP 3, जहां हमको पता है कि लोकल रेलवे नेटवर्क भी बढ़ेगा मुंबई में। मुंबई मेट्रो में 1080 करोड़ से ज्यादा, मुंबई दिल्ली कॉरिडोर को लेके 500 करोड़, MMR ग्रीन अर्बन ट्रांसपोर्ट को लेके 150 करोड़, नागपुर मेट्रो को लेके 680 करोड़। ये बजट में 800 करोड़ का प्रोविजन है मुंबई मेट्रो को लेके, 690 करोड़ है मुल्ला मुठा रिवर को लेके। तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स हैं जिसमें महाराष्ट्र को फायदा मिला है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं उनको पता है कि वो क्यों फैलाते हैं, लेकिन पूरा बजट पढ़ लीजिए, फिर पता चलेगा कि महाराष्ट्र को किस ढंग से सब्सटेंशियल एलोकेशन मिला है। मैम, इसको लेकर के विपक्ष आज विरोध भी कर रहा था, संसद भवन में प्रोटेस्ट भी कर रहा था उसको लेकर। विपक्ष का काम है विरोध करना। मैं सबसे सर्वप्रथम कहूंगी, सब्सटेंशियल एलोकेशन जो मिला है महाराष्ट्र को, आप पढ़ लीजिए बजट। जब आप बजट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 908 करोड़ मिला है MUTP 3 में, जो लोकल रेलवेज को नेटवर्क स्ट्रेंथन करता है। मुंबई मेट्रो को 1080 करोड़ मिला है, मुंबई दिल्ली कॉरिडोर को 490 करोड़ मिला है, MMR ग्रीन अर्बन ट्रांसपोर्ट को 150 करोड़ मिला है और नागपुर मेट्रो को मिला है 680 करोड़। ये बजट में 800 करोड़ का प्रावधान है मुंबई मेट्रो, पुणे मेट्रो के लिए और 690 करोड़ मुल्ला मुठा रिवर के लिए। तो सभी ढंग से आप देखें तो ये एक होलिस्टिक बजट है और हर एक प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रावधान मिला है। हमें गर्व है कि आदरणीय वित्त मंत्री ने महाराष्ट्र को नजरअंदाज नहीं किया है और हमें हमारा हक दिलाया है। खबर में बस इतना ही, बने रहे सीआईडी न्यूज के साथ।